नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाट पर रानी। दोस्तों, हाल ही में हमने 3-4 महीने पहले सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन परियोजना पर संक्षिप्त में वीडियो बनाया था, जिसमें हमने परियोजना से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको इस रेल परियोजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट को साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सहजनवा गोरखपुर जिले का महत्वपूर्ण कस्बा है, जो खलीलाबाद गोरखपुर रेल लाइन के बीच स्थित है। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन स्टेशन बनाकर गोरखपुर जिले के दक्षिणी इलाके से होते हुए मऊ जिले के दोहरीघाट रेलवे स्टेशन से जोड़ने की परियोजना चल रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा रेल बजट पारित हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे पर खासा जोर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार के बजट में पूर्वोत्तर रेलवे को 41% ज़्यादा बजट दिया गया है, जिसमें सहजनवा दोहरी घाट इंदारा रेल लाइन तथा खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी बीच हमने गोरखपुर के निवासी एडवोकेट श्री नितिन मिश्रा जी से वार्ता की। बता दें कि नितिन मिश्रा जी वही व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से सहजनवा दोहरी घाट रेल मार्ग को लेकर हुए हर छोटे बड़े आंदोलनों में भागीदार रहे हैं। आए दिन वो अपने स्तर से रेल मार्ग की मांग को उठाते रहते हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस बजट में ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्षों पुरानी आस इस वर्ष पूरी हो जाए। अलबत्ता ग्राउंड जीरो पर यानी धरातल पे विगत सालों में हुए निर्माण कार्यों की बात करें तो कई जगह रेलवे पिलरों को लगाया गया है। वर्तमान समय में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जोरों पर है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके चलते टेंडर जारी कर रेल पटरी बिछाने का कार्य प्रारंभ हो सके। सहजनवा से दोहरी घाट के बीच 80 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जानी है। इस दौरान यहां एक जंक्शन स्टेशन, 7 क्रॉसिंग स्टेशन तथा 4 हाल्ट स्टेशनों का निर्माण होगा। वर्तमान समय में गोरखपुर से बनारस की दूरी 230 किलोमीटर है, जो पुराने रेल मार्ग देवरिया भटनी सलेमपुर से होकर जाया जाता है। नए रेल मार्ग के बन जाने से ये दूरी 200 किलोमीटर की हो जाएगी, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को गोरखपुर से मऊ बनारस आना जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, हाल के समय में हमने उत्तर प्रदेश में बन रही सभी रेल परियोजनाओं पर वीडियो बनाया है। उनके वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में, किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमें महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।